जबलपुर शहर में ज्वेलरी शॉप में मिर्ची झोंक कर लूट करने वाला चंद घंटों में गिरफ्तार। सर्वोत्तम पुलिस कार्यप्रणाली की मिसाल बन रही जबलपुर पुलिस। आपको बता दें, आंख में मिर्च डालकर 1 लाख रुपए कीमती सोने के टॉप्स ज्वेलरी शॉप से लेकर भागा आरोपी चंद घंटे में पकड़ा गया। छीने हुए सोने के 2 तोला बजनी टॉप्स कीमत लगभग 1 लाख रुपए की एवं घटना में प्रयुक्त एक्सिस वाहन जब्त। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने पत्रकार में चर्चा करते हुए कहा और नाम पता गिरफ्तार आरोपी हिमांशु यादव पिता अवधेश यादव उम्र 30 वर्ष निवासी राम मंदिर के पीछे उड़िया मोहल्ले को गिरफ्तार किया है। तो वही जब्ते लूटे हुए सोने के 6.5 जोड़ी यानी कि 13 नग टॉप्स बजनी लगभग 2 तोला कीमती 1 लाख रुपए के साथ और घटना में प्रयुक्त एक्सिस वाहन जब्त किया गया। लूट की घटना कार्य की गई जिसमें कि कुल मशरूका करीबन 1 से 1.25 लाख करीब का था। इसमें कि कान के 5 से 6 सेट झुमके हैं वो लूट के ले गया था। और इस घटना का जबलपुर पुलिस ने बहुत अच्छे संज्ञान लेते हुए चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया है और इसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का नाम हिमांशु यादव है, उसकी उम्र 29 वर्ष है। इसका अभी तक तो चूँकि अभी जस्ट हमको मिला है ये, इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं है। और कुल मिलाकर के घटना के पीछे कारण ये आया है कि ये इनके मोबाइल का अवलोकन करने में पाया गया, इनके पास 10 से 12 लोन वाले ऐप थे। तो एक ऐप से लोन लेते थे और फिर उसको चुकाने के लिए दूसरा ऐप से लोन लेते थे और एक ऐप का लोन दूसरे ऐप से चुकाते थे। ऐसे ऐसे करके इनपे लोन बहुत ज़्यादा हो गया था और उनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इस कारण से इन्होंने आज ये घटना कारित की।